नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन खाते जो होते हैं उसके अंदर सरकार आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि ये फैसिलिटी आपको क्यों मिल सकती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और सरकार की गाइडलाइंस क्या है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। सबसे पहले आप ये जानिए, अगर आपका जनधन खाता है तो ही आप एलिजिबल हैं ये 10,000 की लिमिट के लिए। आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है आपका जो ऑलरेडी जो अकाउंट है उस पर। आपकी जो फैमिली है उसके अंदर कोई भी एक मेंबर इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, और अगर यदि वो कोई महिला है तो वो सबसे अच्छी बात है क्योंकि महिला को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। आप में जितने भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं एलपीजी के या जो 500 रुपए के जनधन खाते के रुपए आने थे, तो वो सारे खाते आपके सारे ये जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये आपके उस खाते से लिंक होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र के व्यक्ति को ये फैसिलिटी मिल सकती है। आपका जो सेविंग अकाउंट है, जो आपने जनधन खाता खुलवाया है, वो पिछले 6 महीने से रेगुलर चलता रहना चाहिए। उसके अंदर कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए और सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए और आपने लेन देन रेगुलर करे हों। यानी कि ब्रांच मैनेजर जो लोन जब आपको 10,000 की जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन करते वक्त, उन्हें लगना चाहिए कि ये अकाउंट आपने बाकी में अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री जनधन की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, जिसके अंदर ये देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है कि 18, ये थोड़ा पुराना है इसलिए 18 साल से 60 साल लग रहा है, लेकिन अब ये 65 साल हो चुका है। इसमें 10,000 की फैसिलिटी मिलेगी, 36 महीने मिलेंगे उस अकाउंट को रिव्यू के लिए, या तो आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है उससे 4 टाइम्स मिलेगा, या 50% क्रेडिट समेशन पिछले 6 महीनों में, ये इतना, या इंटरेस्ट रेट आपका जो बेस रेट है उससे 2% ऊपर तक मिलेगा। ये मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि SBI की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप SBI की वेबसाइट पे जाएंगे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि किसको ये फैसिलिटी मिलेगी। ये लिखा हुआ है कि 6 महीने का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, परिवार में किसी एक को ही मिलेगा इस तरह। यानी कि आप ये वाला लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको पढ़ सकते हैं। जनधन खाते से रिलेटेड लगभग सभी इन्होंने सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो 10,000 की सब्सिडी को 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को लेके। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।